गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम आई वेलकम यू ऑल इन टूडेज क्लास। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस का। आज जो हम आंसर डिस्कस जो डिस्कस करेंगे ये कॉन्सेप्ट, उसका स्ट्रक्चर रहने वाला है पहले इंट्रोडक्शन, देन बॉडी पार्ट में हम पहले डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट स्टेजेस रही हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप की डेवलपमेंट का उनका, देन डिफरेंट थ्योरीज जैसे कि लिबरल थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी, फेमिनिस्ट थ्योरी, गांधीयन थ्योरी, ये सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा। वीडियो को डिटेल में करने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगी यहाँ पर कि ये या आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो लॉन्ग आंसर के रूप में डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है या आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है। फॉर एग्जांपल, आपने थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप को प्रिपेयर किया और आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसे तीन कैटेगरी में पूछा जा सकता है। शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है, मीडियम कैटेगरी में पूछा जा सकता है, लॉन्ग आंसर में पूछा जा सकता है। तो देयर आर थ्री कैटेगरीज। तो जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आपको वहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखना है। अब ऐसा नहीं है कि शॉर्ट आंसर पूछा गया है और आपने ये सारी डिटेल्स लिख ली, तो ये नहीं करना है आपको। जो इसका स्ट्रक्चर है यही रखना है, लेकिन अगर आपका शॉर्ट या मीडियम में पूछा जाता है तो आपको इतना डिटेल में नहीं लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, शॉर्ट नोट में आ गया आपका थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, तो आपको इंट्रोडक्शन इतना बड़ा नहीं देना है, डायरेक्ट टू द पॉइंट जाना है कि हाँ थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप क्या है। बट अगर लॉन्ग आंसर आ जाता है तो लॉन्ग आंसर में हम इस प्रॉपर तरीके से प्रोसीड करेंगे कि हम प्रॉपर इंट्रोडक्शन देंगे, फिर प्रॉपर आप बॉडी पार्ट देंगे, उसमें डिफरेंट थ्योरीज मेंशन करेंगे, फिर कंक्लूजन देंगे। सो मेरा ये मुझे ये बताना है आपको कि आपको अपने जो एग्जाम में पूछा गया है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से आपको इंफॉर्मेशन यूज करनी है। होप यू गॉट इट, राइट? सो हम इसे डिटेल में कवर करते हैं। सो थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर पहले तो हम ये लिखेंगे कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप है ये एक सेंट्रल थीम होता है या सेंट्रल डोमेन है पॉलिटिकल फिलॉसफी का। अब सिटीजनशिप का सिंपल मीनिंग क्या होता है? ये मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी। जैसे कि आपके इंडियंस, तो इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी की मेंबरशिप हो गई, जापानीज, अमेरिकन्स, जर्मन्स, ये क्या है, ये जो नाम है वो उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल कम्युनिटी के मेंबर हो गए। तो ये इसका सिंपल मीनिंग हो गया सिटीजनशिप का। नेक्स्ट हम सिटीजनशिप को और डिफाइन कर सकते हैं फर्दर कैसे, कि ये क्या डिनोट करता है? आपका रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट्स। नेक्स्ट इसमें इंक्लूडेड क्या है? रेसिप्रोकल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स या ड्यूटीज। इसके बाद से आप टीएच मार्शल की डेफिनेशन भी मेंशन कर सकते हो अपने इंट्रोडक्शन में, इससे आपका इंट्रोडक्शन और इफेक्टिव बनता है। जैसे कि टीएच मार्शल डिस्क्राइब करते हैं सिटीजनशिप को कैसे, एज अ फुल एंड इक्वल मेंबरशिप इन पॉलिटिकल कम्युनिटी। अब यहाँ पर जब भी आप इस टीएच मार्शल को, जैसे स्कॉलर्स की डेफिनेशन को आप यूज करते हो, तो उसे अंडरलाइन कर दीजिए। सो इस तरह अब इसके बाद से इंट्रोडक्शन में एक चीज़ और मेंशन करनी है आपको, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो 1948 में अडॉप्ट किया गया, उसका आर्टिकल 15 क्या कहता है कि एवरीवन हैज़ द राइट टू अ नेशनैलिटी। तो ये चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन में मेंशन करनी है, और इन सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिनको मैंने यहाँ हाईलाइट किया है आपको अपने आंसर में अंडरलाइन करना है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। चलते हैं मेन बॉडी पार्ट में। तो जो आपका थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है, इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो हमने इसको चार कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला आपका आ जाता है कि एंशियंट टाइम पे क्या था आपका, जिसको क्लासिकल थ्योरी कहेंगे। नेक्स्ट आप मेडिवल पीरियड में देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि मॉडर्न टाइम पे कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है इसका, और लास्ट में देखेंगे कि आफ्टर ग्लोबलाइजेशन क्या सीन है, जो प्रेजेंट कॉन्टेम्प्ररी सिचुएशन क्या है थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप की। सो वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला है आपका जैसे क्लासिकल
जो आपका ये ग्रीस एंड रोम के टाइम पे एंशियंट ग्रीस एंड एंशियंट रोम में जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट या थ्योरी है उसका क्या सीन था या क्या मीनिंग हुआ करता था। तो जो 4th सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स जो आपका ग्रीस टाइम एंशियंट ग्रीस जहाँ पर सिटी स्टेट्स थे, आपने प्लेटो और एरिस्टोटल में पढ़ा होगा सिटी ग्रीक सिटी स्टेट्स के बारे पे, जहाँ पर हम प्लेटो और एरिस्टोटल के पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ते हैं। तो आप देखोगे कि वहाँ पर थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप हम एरिस्टोटल की पढ़ते हैं। तो जो आपका जो फर्स्ट पीरियड हिस्टोरिकल पीरियड है या फर्स्ट स्टेज ऑफ थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है, वहाँ पर जो सिटीजनशिप का मीनिंग क्या होता था, सिविक पार्टिसिपेशन। सही, एक्टिव यहाँ पे जो सिटीजनशिप था वो किस बेसिस पे बेस्ड थी, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। आपने एरिस्टोटल की थ्योरी अगर पढ़ी होगी आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, तो एरिस्टोटल जो कहते हैं कि सिटीजन्स वही होंगे जिन जो एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टेट अफेयर में। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, वो भी एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इसके बेसिस पे ही सिटीजनशिप दी जाएगी। इसी के बेसिस पे आगे चलकर एरिस्टोटल ने वोमेन, चिल्ड्रेन, स्लेव्स एंड जो एलियंस थे या फॉरेनर्स थे उनको एक्सक्लूड कर दिया था सिटीजनशिप से, क्योंकि ये एरिस्टोटल का कहना था कि ये लोग, ये सेक्शन ऑफ पीपल्स एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं स्टेट अफेयर में या पॉलिटी में, या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इनका एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं है स्टेट अफेयर में। सो इनको सिटीजनशिप से एक्सक्लूड किया गया। नेक्स्ट जो एंशियंट रोम था वहाँ पर सिटीजनशिप थोड़ा एक स्टेप और आगे जाता है। वहाँ पर जो सिटीजनशिप का बेसिस था वो ये सिर्फ एक्टिव पार्टिसिपेशन या एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे ही बेस्ड नहीं था, बल्कि ये यहाँ पर एक चीज़ एक स्टेप और आगे इम्प्रूव किया गया, वो था लीगल स्टेटस। सो लीगल जो सिटीजनशिप था उसको रिलेट किया गया लीगल स्टेटस से। जब लीगल स्टेटस आ जाता है तो आपको पता है वहाँ पे जो इंडिविजुअल्स या जो सिटीजन्स हैं उनको सर्टेन राइट्स एंड प्रोटेक्शंस मिलेगा बाई लॉ। तो ये था आपका क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। नेक्स्ट आते हैं मेडिवल पीरियड में, जो सेकेंड स्टेज है आपकी। सो सेकेंड स्टेज या सेकेंड स्टेज ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप, तो यहाँ पर बेसिक क्या आप क्या रहता है, जो सिटीजनशिप है वो जो मेडिवल पीरियड में था वो कहाँ पर आ जाती है, आपकी नोशन ऑफ कॉमन लिबर्टी या शेयर्ड लिबर्टी। सो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप जो मेडिवल पीरियड में बेस्ड था कॉमन लिबर्टी पे। कॉमन लिबर्टी का हमारा मतलब जो मेन कंसर्न था यहाँ पर वो था सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। मतलब जो सिटीजन्स होंगे वो क्या क्लेम करेंगे, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन किससे, अथॉरिटी से। आपको आपको अगर याद आ रहा हो तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज पढ़ी थी हमने हॉब्स लॉक रूसो की, तो वहां पर क्या था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके स्टेट क्यों सोशल कॉन्ट्रैक्ट लोगों ने किया था, सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। हम लोगों ने यही पढ़ा था ना कि अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है। यही तो एक बेसिस था जिस पे लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करके स्टेट बनाया था, और अपनी सारी पावर जो थी वो किसको दिया था, स्टेट को दिया था या अथॉरिटी को दिया था। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जब आपका मेडिवल पीरियड चल रहा था 16th 17th सेंचुरी पे, तो यहाँ पर जब हम थॉट्स पढ़ते हैं पॉलिटिकल थॉट हॉब्स लॉक रूसो का, सी यहाँ पे कोई एज सच थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप दी नहीं गई है, बट जो कॉन्सेप्ट थे उनके बेसिस पे निकाले गए हैं कि जो वहाँ पर जो सिटीजनशिप का बेसिक मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल कम्युनिटी। तो मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल कम्युनिटी जो हॉब्स लॉक रूसो में हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बना था इंडिविजुअल। अब ये क्यों मेंबरशिप ली थी, क्यों सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ताकि उन्हें सिक्योरिटी मिल सके या प्रोटेक्शन कर सके अपने नेचुरल राइट्स का, इसके बाद से अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी का। ये प्रोटेक्शन सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कर रहा था, अथॉरिटी। क्यों प्रोवाइड करेगी अथॉरिटी, क्योंकि अथॉरिटी को लोगों ने अपने राइट्स अपनी पावर सरेंडर करी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, तो यही हुआ था ना। तो मेडिवल टाइम में जो नोशन ऑफ सिटीजनशिप था वो आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से थोड़ा बहुत याद रखना है। जो मेडिवल टाइम या अर्ली मॉडर्न पीरियड था आपका, वहाँ पर आप देखेंगे कि जो नोशन ऑफ सिटीजनशिप है उसको वो किस पर बेस्ड था, सिक्योरिटी एंड
प्रोटेक्शन पे। तो ये सारे थॉट्स आपको मिलते हैं हॉब्स, लॉक एंड इसके बाद से मोंटेस्क्यू, ये सारे लोगों के थॉट्स इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद से फर्दर डेवलपमेंट जो होता है इसमें आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो मेनली आप देखेंगे जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप है वो यहीं से इसके फाउंडेशन रखे जाते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में हुई थी, ये क्या थी, रिवोल्ट अगेंस्ट द पैसिव सिटीजनशिप। इसके बाद से यहाँ पर जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स हुआ, अब ये भी पूछा जाता है आपके यूजीसी नेट में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स हैं वो कहाँ किसके थ्रू आया, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू। यहाँ पर आप देखोगे कि जो नोशन लाया गया सिटीजन का एज अ फ्री एंड ऑटोनॉमस इंडिविजुअल, अभी भी जो सिटीजन है उसमें क्या क्या नोशन रहता है, फ्री एंड ऑटोनॉमस इंडिविजुअल जो इंजॉय करता है सर्टेन राइट्स को, पार्टिसिपेट करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, राइट। सो अगर ओवरऑल कहा जाए सो कॉन्सेप्शन ऑफ द मॉडर्न सिटीजनशिप स्टैब्लिश किया जाता है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो ये हो गया आपका मेडिवल स्टेज, जो सेकेंड स्टेज थी। नेक्स्ट आते हैं हम मॉडर्न स्टेज में, जहाँ पर आपके कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं 19th सेंचुरी में, और इस पे जो यहाँ पर डेवलपमेंट होंगे वो किस वहाँ पर किस थ्योरी का या किस तरीके के आइडियोलॉजीज़ का इन्फ्लुएंस पड़ेगा, लिबरलिज्म या कैपिटलिज्म। मेडिवल में किस चीज़ का पड़ रहा था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का। मॉडर्न टाइम पे आप देखेंगे जो थर्ड स्टेज है, यहाँ पर जो थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप का डेवलपमेंट होता है तो इन्फ्लुएंस्ड बाई लिबरलिज्म एंड कैपिटलिज्म। सो लिबरलिज्म में आपको पता है कि इंडिविजुअल को बेसिक यूनिट कंसीडर किया गया। अगर आपने लिबरल थ्योरी पढ़ी है तो लिबरलिज्म में इंडिविजुअल को बेसिक यूनिट कंसीडर किया गया। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मॉडर्न नोशन ऑफ सिटीजनशिप है जो इन्फ्लुएंस्ड था लिबरलिज्म या कैपिटलिज्म से, ये क्या है, फ्री एंड इक्वल सिटीजन्स, एंड जो सिटीजनशिप है वो एक लीगल स्टेटस के रूप में रिफर किया जाने लगा, राइट। और जो ये फ्रीडम एंड इक्वालिटी है यही एक आउटलाइन क्रिएट करता है किसके लिए, मॉडर्न सिटीजनशिप के लिए। सो ये आपका हो गया लिबरलिज्म एंड कैपिटलिज्म का। अभी हम डिटेल में लिबरल थ्योरी को यहाँ पे कवर करेंगे, ये बस एक डिफरेंट जो स्टेजेस हैं कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप का, ये उसके लिए है। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये हो गया आपका मॉडर्न मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी सिटीजनशिप। नेक्स्ट आते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा। सो आफ्टर ग्लोबलाइजेशन जो इम्प्रूवमेंट हुआ, जो जो मॉडिफिकेशन हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी पे, कॉन्सेप्ट ऑफ आपका सिटीजनशिप पे, तो यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। सो मल्टीकल्चरलिज्म के बाद से आप देखेंगे कि किस चीज़ पे फोकस किया जाने लगा, प्लूरलिटी पे, डाइवर्सिटी पे, डिफरेंसेस पे। तो जो मल्टीकल्चरलिज्म के स्कॉलर्स थे जैसे कि विल की मल्लिका, इन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया कि ये सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि लोगों को जो मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप की बात इन्होंने यहाँ पर रखी, तो सिटीजनशिप को बेसिकली एक नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं डिफाइन करना है। इन्होंने क्रिटिसाइज किया इस चीज़ को, जो लिबरल थ्योरी ने एक नैरो सेंस में पॉलिटिकल पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जो थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप को डिस्क्राइब किया था उसे क्रिटिसाइज किया गया जो मल्टीकल्चरलिस्ट थे उनके द्वारा। तो सबसे जो बड़े इसके एक्सपोनेंट हैं मल्टीकल्चरलिज्म के वो हैं विल की मल्लिका। इसके बाद से कुछ और कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप, तो ये किसने दिया, तो मोरियन यंग ने। इसके बाद में एक बात में कॉस्मोपॉलिटियन सिटीजनशिप। सी कॉस्मोपॉलिटियन सिटीजनशिप में मतलब कि पूरे वर्ल्ड की सिटीजनशिप होना, यूनिवर्स की सिटीजनशिप होना, हम एक पर्टिकुलर कंट्री के सिटीजन्स क्यों हैं, तो ये सब ब्रॉड सेंस में बात की जाने लगी आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद लोग एक सिंपल सा स्टेटमेंट देते थे कि पूरा जो वर्ल्ड है एक ग्लोबल विलेज बन गया है, तो जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीजनशिप है आपका इसी संदर्भ में आई। तो जो मेन स्कॉलर्स हैं कॉस्मोपॉलिटन सिटीजनशिप के वो हैं मार्था सी नसबम, इसके बाद हैं आपके जो सेकेंड स्कॉलर हैं वो हैं क्वामे एथोनी अपिया।
इसके बाद से पोस्ट नेशनल सिटीजनशिप एक कॉन्सेप्ट आता है, ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, जैसे यूजीसी नेट में। तो ये आपके इसके जो स्कॉलर्स हैं वो हैं एस एम ई सोयसल। सो ये सारे स्कॉलर्स के नाम आपको याद रखने हैं। अगर आप अपने आंसर में इन सब चीज़ों को मेंशन कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करिए। सो टू डोमिनेंट जो ट्रेडिशन है जो राइट्स एंड सिटीजनशिप के हैं वो आप यहाँ पर देख लेते हैं। पहला सिविक रिपब्लिकनिज्म, दूसरा है आपका लिबरल सिटीजनशिप। सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सिविक रिपब्लिकनिज्म या कम्युनिटेरियन जो ट्रेडिशन है वो डिस्क्राइब करता है सिटीजनशिप को कैसे, एज एन ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन जो प्राउडली अज्यूम किया जाता है। और इसके रूट्स हमें कहाँ मिलते हैं, एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप में। एरिस्टोटल ने जो थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप दी थी उनका यही था ना कि एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल अफेयर। तो रिपब्लिकनिज्म या कम्युनिटेरियन ट्रेडिशन ऑफ सिटीजनशिप है, इसका मेन फोकस रहता है या डिस्क्राइब करते हैं सिटीजनशिप को एज एन ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन। यही रीजन था कि एरिस्टोटल ने कुछ पर्टिकुलर सेक्शन जैसे कि वुमेन, चिल्ड्रेन, फॉरेनर्स, इनको बाहर रखा था सिटीजनशिप से। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे थे पॉलिटिकल अफेयर्स में। नेक्स्ट ट्रेडिशन है आपका लिबरल ट्रेडिशन। लिबरल ट्रेडिशन सिटीजनशिप को डिस्क्राइब करता है एज अ स्टेटस या इंटाइटलमेंट, या कह सकते हो सेट ऑफ राइट्स। ये स्टेटस या इंटाइटलमेंट है जो लीगल स्टेटस है, और इंटाइटलमेंट का मतलब उस लीगल स्टेटस के बेसिस पे हम क्या है सर्टेन इंटाइटलमेंट या राइट्स को क्लेम करते हैं। तो लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप को डिटेल में कवर करते हैं अब, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है। सो लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप आपका कहाँ से आता है, इनलाइटनमेंट थिंकिंग से। एंड इसके जो रूट्स हैं आपको मिलेंगे कहाँ पे, लिबरल थॉट ऑफ ट्रेडिशन में, लिबरलिज्म में, राइट, जहाँ पर इंडिविजुअलिज्म को मेन कॉम्पोनेंट माना गया है कि इंडिविजुअल को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। सो लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप बेसिकली क्या है, अगर इसको बोला जाए तो ये क्या है, टुगेदर इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड एक्चुअलाइजेशन ऑफ सोशल जस्टिस। इन सब के लिए मेन आपका जो लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप है वो किस चीज़ों को कंसीडर करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इसके बाद सोशल जस्टिस। नेक्स्ट आप देखेंगे कि सबसे बड़े जो स्कॉलर हैं लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप से वो हैं टी एच मार्शल। टी एच मार्शल अपनी बुक जो इनकी एक ऐसे था सिटीजनशिप एंड सोशल क्लासेस जो पब्लिश होता है 1950 में, इसमें इन्होंने अपना जो जो थॉट है थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप को लेकर उसको डिस्क्राइब किया है। सो टी एच मार्शल के अकॉर्डिंग जो सिटीजनशिप है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। सो ये तीन चीज़ें क्या हैं आपके, जस्ट अ सेकेंड गाइस। यस, सो ये थ्री एलिमेंट्स ऑफ सिटीजनशिप क्या हैं आपके, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड सोशल राइट्स। ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू टी एच मार्शल। सिविल राइट्स में क्या आता है, इसमें वो सारे जैसे कि लिबर्टी ऑफ पर्सन, फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच, फेथ, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसके बाद पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स में जैसे कि राइट टू वोट। सोशल राइट्स में क्या आ जाएंगे, आपके जो वेलफेयर होता है, वेलफेयर का कॉन्सेप्ट आपका सोशल राइट से आया, तो वेलफेयर, ये सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें मिलकर सिटीजनशिप बनाती हैं अकॉर्डिंग टू टी एच मार्शल। तो आपका अगर आपको अगर शॉर्ट नोट्स में टी एच मार्शल के व्यूज लिखने को आ जाता है या लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप को आ जाता है तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप और साथ में ही आपको इसका क्रिटिसिज्म भी मेंशन करना है कि जो लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ व्यू है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही नैरो पॉइंट ऑफ व्यू को डिफाइन करता है, सिर्फ इसने लीगल डायमेंशन को कंसीडर किया है इसके। तो इसको बोला जाता है कि ये बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप है। और लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप को क्रिटिसाइज किया है मार्क्सिस्ट ने, फेमिनिस्ट ने, गांधीयन व्यू को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। तो अगर ज़्यादातर जो शॉर्ट नोट होगा आपका या मीडियम टाइप के क्वेश्चन होंगे उसमें लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप को पूछा जाएगा, लॉन्ग आंसर में आपका पूरा पूछा जा सकता है।
सो ये हो गया आपका लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ, जिसमें हमें टी एच मार्शल को जरूर इंक्लूड करना है। आप अगर उनके बुक मेंशन कर सकते हो तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट पढ़ते हैं मार्क्सिस्ट क्रिटिक ऑफ लिबरल सिटीजनशिप। सो मार्क्सिस्ट में आप देखेंगे कि जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने अपनी बुक ऑन द ज्यूइस क्वेश्चन में क्रिटिसाइज किया है जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप है, जो बेसिकली किस पे बेस्ड था आपके लिबरल नोशन में या लिबरल थ्योरी पे। सो यहाँ पर देखेंगे कि इससे बेसिकली मार्क्स ने क्यों क्रिटिसाइज किया है जो लिबरल सिटीजनशिप थ्योरी है। लिबरल थ्योरी ने क्या कहा कि फ्री एंड इक्वल इंडिविजुअल का नोशन देते हैं, लेकिन मार्क्सिस्ट कहते हैं कि यहाँ तो क्लास डिवीजन है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है। जब सोसाइटी टू क्लासेस में डिवाइडेड है, हैव्स एंड हैव्स नॉट में, तो इक्वल कैसे हुए? सारे जो इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें आप इक्वल सिटीजनशिप दे रहे हो, वो अपने सिटीजनशिप के थ्रू मिले हुए राइट्स को इक्वली इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में इनइक्वालिटीज इस्टेब्लिश करती हैं। तो कार्ल मार्क्स ने जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट या लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप को क्रिटिसाइज किया है तो इसी बेसिस पे, क्योंकि ये फेल रहा है टू एड्रेस इटसेल्फ टू इनइक्वालिटीज। जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर इनइक्वालिटीज हैं, और जो जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो दो क्लासेस पे डिवाइडेड है, क्लास डिवीज़न है वहाँ पर, हैव्स एंड हैव्स नॉट। तो कैसे इक्वल हो सकते हैं, कैसे सारे लोग इक्वली फ्री हो सकते हैं, कैसे सारे लोग इक्वल जो राइट्स हैं उनको इंजॉय कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी बेसिस पे मार्क्स ने क्रिटिसाइज किया है लिबरल थ्योरी को, गेटिंग इट। एंड नेक्स्ट अगर फेमिनिस्ट को देखें कि फेमिनिस्ट ने क्यों क्रिटिसाइज किया है, किस पॉइंट को लेकर, सो फेमिनिस्ट बेसिकली क्रिटिसाइज करते हैं जो आपका मॉडर्न या लिबरल थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप है, जेंडर न्यूट्रलिटी एंड जेंडर ब्लाइंडनेस को लेकर। इन जो फेमिनिस्ट हैं इनके अकॉर्डिंग जो लिबरल सिटीजनशिप थ्योरी है वो पैट्रियॉर्कल इन नेचर है, और यहाँ पर जिस तरीके से जेंडर डिटरमाइंस किए गए हैं टू एक्सेस द सिटीजनशिप राइट्स, तो इस बेसिस को लेकर जो फेमिनिस्ट हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं लिबरल सिटीजनशिप थ्योरी को। यहाँ नेक्स्ट आप देखेंगे कि कैरोल पेटमैन है, इन्होंने सजेस्ट किया है कि जो मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी है इस ये इंटायरली मतलब एक्सक्लूड तो नहीं करती है वुमेन को, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पैट्रियॉर्कल कैरेक्टर। तो ये दो चीज़ों को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं, एक तो ये पैट्रियॉर्कल इन कैरेक्टर है और दूसरा जो जेंडर न्यूट्रैलिटी एंड जेंडर ब्लाइंडनेस है। और आप यहाँ पे कैरोल पेटमैन का को मेंशन करोगे अपने आंसर में तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद से गांधीयन नोशन ऑफ सिटीजनशिप में आ जाते हैं। सो गांधीयन नोशन ऑफ सिटीजनशिप आप देखोगे कि ये बेसिकली किस चीज़ को प्रमोट करते हैं या एक्सेप्ट किया है, जो आपका सिविक रिपब्लिकनिज्म है। यहाँ पर बेसिकली गांधीयन जो नोशन ऑफ सिटीजनशिप है उस सिटीजनशिप को किस तरीके से देखते हैं, कॉमन गुड के डायमेंशन से, सिविक ड्यूटी एंड एक्टिव सिटीजनशिप के बेसिस पे। तो गांधीयन नोशन ऑफ सिटीजनशिप किस चीज़ को प्रमोट करता है, एक्टिव सिटीजनशिप को। सो कमिटमेंट इन गांधी टू अ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको प्रमोट करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो सोशल इंटरेस्ट आर अबो, तो मेन अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें गांधीयन नोशन ऑफ सिटीजनशिप के, तो ये देखोगे आप कि इन्होंने किस चीज़ का प्रमोट किया है, सोसाइटल इंटरेस्ट आर अबोव देन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, और यही पॉइंट इन्हें किसके अप अगेंस्ट बनाता है, लिबरल डेमोक्रेसी के, क्योंकि लिबरल सिटीजनशिप के। लिबरल सिटीजनशिप में आप देखेंगे कि उन्होंने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रमोट किया है, जबकि गांधीयन नोशन ऑफ इंटरेस्ट में किसको प्रमोट किया जाता है, सोसाइटल इंटरेस्ट को। नेक्स्ट पॉइंट है स्पिरिचुअलिज्म इज अबोव मटीरियलिज्म, जबकि आप जो लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है वहाँ पे मटीरियलिज्म को प्रमोट किया जाएगा, ड्यूटी टूवर्ड सोसाइटी, ट्रस्टीशिप ऑफ कॉमन पोजिशन ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि यहाँ पर गांधीयन नोशन ऑफ सिटीजनशिप पे आते हैं। सो ये आपका हो गया कंप्लीट बॉडी पार्ट। नेक्स्ट आते हैं कंक्लूजन में। सो सिटीजनशिप जो है आप इसे कंक्लूड कैसे करेंगे
कि सिटीजनशिप इन इट्स मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग रिफर्स टू फुल एंड इक्वल मेंबरशिप. हमने ऊपर भी ये चीज़ को डिस्क्राइब किया है इस पॉइंट को, तो वो हम कंक्लूजन में भी लाएंगे. और इट रिफर्स इन द प्रेजेंट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नेशन स्टेट्स. इसके बाद से आप थोड़ा थोड़ा हर एक जो हमने वहाँ ऊपर डिस्क्राइब किया है उसको इंक्लूड करेंगे. इसके बाद से आप मार्क्सिस्ट एंड फेमिनिस्ट इसको भी करेंगे कि कैसे इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, क्या इन्होंने जो अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया है. फिर ये सारे आप ऐसे करके इसे कंक्लूड कर देंगे. अगर आपके पास और बेहतर कंक्लूजन है तो आप उसे इंक्लूड कर सकते हैं. मुझे मेरे हिसाब से, मुझे जो लगा मेरे आंसर के हिसाब से, ऊपर जो मैंने डिस्क्राइब किया है उसके हिसाब से मैंने ये कंक्लूजन दिया है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस. अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो लेट मी नो इन टू द कॉमेंट बॉक्स. और हाँ, अगर आप अपने मेरा फिर मैं फिर से इस चीज़ पे फोकस करूँगी कि आप अपने आंसर को इस तरीके से स्ट्रक्चर करिए कि उसमें प्रॉपर क्लैरिटी आए. आप स्कॉलर्स को कोट करिए, उनकी बुक्स को कोट करिए, और उन्होंने अगर कोई स्टेटमेंट दी है तो उसको कोट करिए. तो आप अगर फॉर एग्जांपल हम लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप लिख रहे हैं तो हम T.H. मार्शल और उनकी जो बुक है उसको मेंशन करेंगे. इसके बाद से जो उन्होंने जो सिटीजनशिप के 3 एलिमेंट्स दिए हैं, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट्स, इनको करेंगे, और साथ में क्रिटिसिज्म. तो जब भी थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप पूछी जाएगी तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे बट साथ में क्रिटिसाइज भी करेंगे कि किन किन जो कौन कौन से ट्रेडिशन हैं, जैसे मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन, फेमिनिस्ट ट्रेडिशन, गांधियन ट्रेडिशन, इनने इन्होंने क्रिटिसाइज किया है. नेक्स्ट, और दूसरा जो चीज़, एक और डायमेंशन थी, आप जनरली आप सारी चीज़ें लिखेंगे बट ये हो सकता है मिस कर दें, इसलिए मैं फोकस कर रही हूँ उसको. नेक्स्ट, जो आफ्टर ग्लोबलाइजेशन क्या इम्पैक्ट पड़ा है, या थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप ग्लोबलाइजेशन से कैसे इम्पैक्ट हुई है, तो वहाँ पर आप जो फोर्थ स्टेज थी मल्टीकल्चरलिज्म की, या कॉस्मोपॉलिटन सिटीजनशिप, पोस्ट नेशनल सिटीजनशिप, ये सारे फैक्टर्स को आप इंक्लूड करेंगे, ये सारे पॉइंट्स को आप लिखेंगे, जिससे कि आपका जो आंसर है वो बेसिक जो क्लासिकल थ्योरी है उसको तो इंक्लूड करेगा ही, जैसे कि लिबरल थ्योरी, रिपब्लिकनिज्म थ्योरी या एरिस्टोटल की थ्योरी, बट साथ में कॉन्टेम्पररी थ्योरीज़ को भी इंक्लूड करेगा. कॉन्टेम्पररी थ्योरीज़ में आपके मल्टीकल्चरलिज्म, डिफ्रेंशिएटेड सिटीजनशिप, पोस्ट नेशनल सिटीजनशिप, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे. तो आपको ये देखना है कि आप अपने आंसर को कैसे छोटा और कैसे हॉलिस्टिक कर सकते हैं आप, राइट. तो इतना एनफ है आपके पॉलिटिकल साइंस में सेमेस्टर्स के आंसर लिखने के लिए, जहाँ पर थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप अगर पूछा जाता है. इंट्रोडक्शन में आप ये T.H. मार्शल की डेफिनेशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल 15, ये सारी चीज़ें ज़रूर इंक्लूड करना. इससे आंसर आपका जब पहले स्टार्टिंग में जो आपकी कॉपी को इवैल्यूएट कर रहा होगा वो इसका इंट्रोडक्शन अगर पढ़ेगा तो उस फर्स्ट इम्प्रेशन वहीं से अच्छा जाएगा. फिर प्रॉपर अपने आंसर को स्ट्रक्चर करना, और जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैंने यहाँ हाईलाइट करी है, आप अगर उन्हें लिख रहे हैं तो उन्हें अंडरलाइन ज़रूर करना. सो इस तरीके से अगर आप अपने सेमेस्टर में लिखते हो, आंसर को परफॉर्म करते हो, तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं गाइस, ट्रस्ट मी. और ये एक हैबिट होता है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत रॉकेट साइंस है जो आप नहीं सीख सकते हो, बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग सीख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. एक सिंपल सी हैबिट होती है, जब हम घर पे आंसर्स को प्रैक्टिस करते हैं तभी इन सब चीज़ों को हैबिट डालते हैं, अंडरलाइन करने की, इम्पॉर्टेंट जो स्कॉलर्स हैं उनको कोट करने का, उनके स्टेटमेंट इंक्लूड करने का, उनकी बुक्स इंक्लूड करने का. तो ये सारी चीज़ें हम पहले से प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारी हैबिट्स में आ जाते हैं. तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ कर आंसर लिख रहे होते हैं तो वहाँ पर ये ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होते हैं. तो पहले से माइंडली प्रिपेयर रहना है कि हाँ, मुझे ये टॉपिक आएगा तो मुझे ये स्कॉलर्स को कोट करना है, ये स्टेटमेंट लिखनी है, ये बुक लिखनी है, ये सारी चीज़ें करनी है, राइट. तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो अपने सेमेस्टर में, बहुत अच्छे परसेंटेज बना सकते हो. कई बार होता है कि जब हम जो हम क्लासेस कर रहे होते हैं अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पर हमें इस चीज़ को नहीं बताया जाता है कि जो आर्ट ऑफ राइटिंग होती है उस पर डिस्कशन नहीं होता है. मेन हमें बस लेक्चर दे दिया जाएगा, हम चीज़ों के नोट्स भी बना लेंगे, प्रिपेयर भी कर लेंगे, बट हमारे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आर्ट ऑफ राइटिंग. जो आर्ट ऑफ राइटिंग है वो लोग रिसर्च में जाकर सीखते हैं.
तो तब तक तो हमारा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका होता है और हमारे जो जो मार्कशीट है, रिपोर्ट कार्ड है, वो हमारे हाथ में होता है। तो अभी अगर आप अपने सेमेस्टर्स पे दे रहे हो, आप ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, तो आप अभी से इन सारी चीज़ों को फॉलो करो, प्रैक्टिस करो, अप्लाई करो, जिससे कि आप अभी से आपका रिपोर्ट कार्ड बहुत हैंडसम बन सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स अ लॉट। See you in the next video.